हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में समझा था, और अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके लैंगिक जनन की सारी प्रोसेसेस हम समझेंगे एक के बाद एक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में, वो होता कैसे है। इसकी जो प्रोसेसेस हैं उन्हें चार भागों में बांटा गया है। पूरा जो लैंगिक जनन है उसमें सबसे पहले होता है गैमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट्स का निर्माण। जो फ्लावर जो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें मेल और फीमेल गैमिट्स बनते हैं। वो गैमिटोजेनेसिस जो होता है वो दो चरणों में होता है। पहला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया में ये बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे, और माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब है एंथर, यानी जो पराग कोष होता है, मेल पार्ट जो है, और उसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोर हैं जो मेल गैमिट्स हैं वो बनेंगे, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, पराग कण। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में यानी एंथर में माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें नर युग्मक यानी नर गैमिट्स बनते हैं। और दूसरी प्रोसेस है गैमिटोजेनेसिस की, वह है मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस में मेगास्पोरेंजिया के अंदर यानी ओवरी के अंदर मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मीन्स या तो ओव्यूल, बीजांड हिंदी में कहते हैं इसे, और एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। इन दोनों के बनने की प्रोसेस, या इन दोनों का नाम एक ही है लगभग, ओवरी बोलो या ओव्यूल बोलो या एम्ब्रियो सैक बोलो, लगभग ये वो सेम संरचना ही है। तो इनके यानी मेगास्पोर के बनने की जो प्रोसेस है ओवरी के अंदर, उसे हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये फीमेल गैमिट है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ये दोनों ही बनेंगे जिन प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, जिसके दो चरण है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी नर युग्मक का निर्माण, और मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट का निर्माण। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब गैमिट्स बन जाएंगे उसके बाद पॉलिनेशन होगा, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंचेंगे और उनके बीच फर्टिलाइजेशन होगा। और ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन, ये अलग अलग एजेंट्स के द्वारा होता है, कभी वाटर के द्वारा, कभी एयर के द्वारा, इसे एनिमोफिली कहेंगे, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, अगर कीटों के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट्स के द्वारा, तो वो एंटोमोफिली कहलाएगा। ऐसे ही अलग अलग स्नेल से भी होता है या मनुष्य से भी होता है, और अलग अलग जो जीव हैं उनके द्वारा ये जो फीमेल पार्ट है मेगास्पोर, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे कार्पेल, और कार्पेल के स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है, इसमें से मेल एंथर में जो पोलन ग्रेन बने हैं इनका स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, मेल एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना अलग अलग एजेंट्स के द्वारा, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलिनेशन है इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये जो पोलन ग्रेन यहां पहुंचे हैं अपने शरीर से एक पोलन ट्यूब निकालेंगे, ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी इस ओवरी में, और ओवरी में जो ओव्यूल है उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये कैसे होता है इसको डिटेल में हम समझेंगे। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमिट्स का आपस में मिलना, और अंत में एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जो जायगोट बन चुका है मेल फीमेल से मिलने से, उसके बाद उसमें सीड का प्रोडक्शन होगा, बीज का निर्माण होगा, और उस सीड के अंदर एम्ब्रियो और कोटिलेडंस डेवलप होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस अब हम एक के बाद एक स्टेप वाइज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो पौधों में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन में पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। आइए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले फ्लावर जो पौधे का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है, उसमें जो नर भाग होता है मेल पार्ट, उसे कहते हैं हम स्टेमन यानी पुंकेसर। और उस स्टेमन के दो भाग हैं यहां पर दिखाए हुए हैं। पहला है एंथर, जो ऊपर वाला पार्ट है, और दूसरा है फिलामेंट, जो ये नीचे इसमें डंडी लगी हुई है।
तो दो पार्ट में एंथर और फिलामेंट ये हैं, और इसको मिला के हम कहते हैं स्टेमन। और ये जो एंथर है इसको अगर ऐसे काट कर मैग्निफाई करके देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होगा। अब ये बंद संरचना है, इसे यहां पर काट कर दिखाया हुआ है टीएस, और इसमें आप बाहर से अंदर की तरफ जो लेयर्स हैं उनको देखेंगे तो सबसे बाहर है इसमें एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और चौथे नंबर पे है टेपेटम। इसके साथ इसके अंदर बीच बीच में स्पोरोजीनियस टिश्यूज पाई जाती हैं, जिनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी, जिनसे लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं फ्यूचर में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्पोरोजीनियस टिश्यूज के अंदर होती हैं, और बीच में पाया जाता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, और ये पूरा एंथर कहलाएगा। इसे और ज्यादा मैग्निफाई करके देखेंगे, और ये मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ ऐसा दिखाई देगा। लघु बीजाणु धानी हिंदी में कहते हैं इसे, और इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया में आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, अलग अलग लोब्यूल्स हैं, लोब्स हैं, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से विभाजन होते होते पोलन ग्रेन्स बनते रहेंगे। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इधर ये फाइब्रस लेयर है पूरी, यहां से ऊपर भी नीचे भी, बीच में वेस्कुलर बंडल्स हैं जो जाइलम फ्लोएम यहां पर है। इसके बाद एपिडर्मिस सबसे बाहर है इसमें, और पोलन सैक है ये अलग अलग, जिनमें पोलन ग्रेन्स का निर्माण होगा, और एंड में इनके स्टोमियम पाया जाता है। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर एंथर का या माइक्रोस्पोरेंजिया का। अब पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, इसमें प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है, उसे हम नीचे वाले इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाए जाएंगे, MMCs। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होता है मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, देखिए जो सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं वो दो टाइप की हैं, पहली वेजिटेटिव जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, और दूसरी है जेनरेटिव सेल जैसे स्पर्म और ओवम, जिनसे हमारे बच्चे बनते हैं फ्यूचर में। तो दो टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में है, ऐसे ही प्लांट के शरीर में भी दो टाइप की सेल्स हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल्स जिनसे जड़ तना पत्ती वगैरह बनती हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ग्रो करते हैं, और दूसरी होती हैं जनरेटिव सेल्स जो हैं पोलन ग्रेन्स यानी परागकण और ओव्यूल्स यानी बीजांड, मेल और फीमेल सेल्स यानी गैमेट्स। तो ये जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स हैं इनमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है, अलग अलग टाइप्स होती है। वेजिटेटिव सेल्स में माइटोसिस होता है यानी समसूत्री विभाजन, इसमें 2n अगर सेल होगी तो 2n नंबर के नई सेल्स भी बनेंगी, दो जो नई सेल बनेंगी, एक से दो नई सेल बनेंगी, और वो दोनों ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए हुए होंगी, जैसे पेरेंट सेल के पास होगी वैसे ही फ्यूचर जो इंडिविजुअल्स हैं नए सेल्स हैं उनमें भी होगी। लेकिन जो मियोसिस है जो जनरेटिव सेल्स में होता है, उसमें जो मेन सेल है जिससे नई सेल्स बन रही हैं उनसे चार नई सेल्स बनेंगी पहले तो, और चारों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिए हुए रहेंगी यानी हैप्लोइड क्रोमोसोम। तो माइटोसिस में एक डिप्लोइड सेल से दो नई डिप्लोइड सेल्स बनेंगी, और मियोसिस में एक डिप्लोइड सेल से चार हैप्लोइड सेल्स बनेंगी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिए हुए। तो इनसे ही गैमेट्स बनते हैं हमारे अंदर, पोलन ग्रेन्स और ओवम भी इसी से बनते हैं मियोसिस से, और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स भी बनते हैं मियोसिस से ही। इसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। तो ये मियोसिस यहां पर हो रही है, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स को लिया हुआ है उसके क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे यहां पर, और चार इसमें माइक्रोस्पोर बन जाएंगे छोटे छोटे। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बन जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि ये चारों के चारों एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे इनमें डिहाइड्रेशन होगा, पानी इसका
एनवायरनमेंट में सोख लिया जाएगा, मैच्योरेशन होगा और ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे चारों, और चारों में से हर एक ऐसी सेल्स बनाएगा जिसमें यहां पर एक न्यूक्लियस है लेकिन ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे, एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ऊपर वाली जो जेनरेटिव सेल है इसमें फिर बाद में माइटोसिस होगी जिससे दो स्पर्म सेल्स बनेंगी जिन्हें मेल न्यूक्लियस भी कहते हैं और जिनका बहुत अधिक रोल है फ्यूचर में, इसे हम बताएंगे डिटेल में। उसके बाद ट्यूब सेल न्यूक्लियस नीचे वाला जिससे कि पोलन ट्यूब बनेगी और ये फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो दो ऊपर के मेल न्यूक्लियस हैं इनमें से एक ओव्यूल के एग से मिलेगा जिससे बीज बनेगा और दूसरा ओव्यूल के जो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं उनसे मिलेंगे जिससे एंडोस्पर्म बनेगा और जो भ्रूण और बीज का पोषण उससे होगा। अब जो पूरा वेल डेवलप्ड पोलन ग्रेन है वो ये है, अगर पेपर में आएगा कि पोलन ग्रेन का चित्र बनाइए नेम के साथ तो ये चित्र आपने बनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझना होगा। इसमें जो दो सेल्स हैं ऊपर ये हैं मेल न्यूक्लियस या मेल गैमेट या स्पर्म सेल्स दोनों, और नीचे वाले हैं ये ब्लैक ट्यूब सेल न्यूक्लियस जो पोलन ट्यूब बनाएगी। इसके साथ साथ इसमें दो लेयर होंगी, बाहर की एग्जाइन बहुत हार्ड होगी और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन, और ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होने की वजह से ये बहुत लंबे समय तक रहता है, इसे सुरक्षित रख पाता है। और बीच बीच में कहीं कहीं पर यहां पर देखेंगे स्पोरोपोलेनिन इनमें नहीं है बीच बीच में, और इसकी जो इंटाइन है वो भी अंदर की तरफ धसी हुई है तीन जगहों पर। इन तीन जगहों को कहेंगे जर्म पोर, जर्म पोर, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन की परत नहीं होगी हार्ड, जिससे कि इसके अंदर का जो ये स्ट्रक्चर है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है वो इसके बाद यहां से ट्यूब निकाल सकेंगे जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। यही पोलन ट्यूब एंट्री करती है फीमेल के जो कार्पेल है उसके अंदर, स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए वो ओवरी के अंदर माइक्रोपाइल से जाएगी और इन मेल न्यूक्लियसेस को एंट्री वहां करवाएगी, उसे हम डिटेल में आगे की वीडियोस में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है पोलन ग्रेन का फुली डेवलप्ड स्ट्रक्चर जिसमें दो लेयर हैं, बाहरी एग्जाइन जो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, इंटरनल इंटाइन, और इसमें जर्म पोर्स हैं जहां जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें दो मेल न्यूक्लियस और एक ट्यूब सेल न्यूक्लियस है, तो ऐसे एक पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। अब इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, ये हमें पता हो तो हम कितने भी नंबर्स के क्वेश्चन अगर आए, जैसे क्वेश्चन आए कि 101 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे या 325 पोलन ग्रेन बनने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की आवश्यकता होगी, तो आप सिंपल समझिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बन रहे हैं, यहां पर देखिए चार हैं ये और चारों सेपरेट होके ऐसे बनेंगे हर एक, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पोलन ग्रेन बनेंगे। तो क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगा तो यहां 20 को चार से गुणा कर देंगे, 80 पोलन ग्रेन्स बनेंगे 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ऐसे अगर उल्टा पूछा होगा कि 80 जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे, तो आप कहेंगे कि 80 जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे हम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उल्टा पूछा जाए कि इतने पोलन ग्रेन्स कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप में पूछे जाते हैं और अटपटे से लगते हैं और समझ में नहीं आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिटेल में समझा और पौधे के अंदर जो मेल पार्ट है स्टेमन यानी पुंकेसर उसके एंथर में पोलन ग्रेन्स कैसे डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन मदर सेल से, वो पूरी प्रोसेस हमने समझी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।